हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम फिर से नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है। मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा फैक्ट्स पे आता हूँ। दादा साहेब फाल्के जी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को शुरू किया था। वो एक महाराष्ट्रियन थे, पर आज के तारीख में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में महाराष्ट्रियन या मराठी इंसान को बहुत मुश्किल से एंट्री मिलती है। उनके एक्सेंट और उनके सरनेम्स को रीज़न बताया जाता है। दादा साहेब फाल्के जी ने जब ये इंडस्ट्री चालू की थी, तब उन्होंने शायद सोचा नहीं होगा कि ये इंडस्ट्री आज के इस बदतर दौर से गुजरेगी। जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, ये कमाती तो बहुत है। 2019 का उसका टोटल टर्नओवर 3 बिलियन डॉलर्स के आसपास था। 2018 का 2.5 बिलियन के आसपास था, पर वैल्यूज़ ये बहुत कम कमाती है और कम बांटती है। लोगों के माइंडसेट बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो फिल्म्स है उसके वजह से बिगड़ ज़्यादा रहे हैं और अच्छे कम बन रहे हैं। अगर हम इसके कंपेयरिंग में साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अगर आए साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें, तो वो कई बेहतर है। और जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री है, साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, चार अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं: टॉलीवुड, हॉलीवुड, मॉलीवुड और सैंडलवुड। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को सैंडलवुड भी बोला जाता है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। कुछ फेमस एक्टर्स और एक्ट्रेस के जो इमेज है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, जिनमें से आप बहुत लोगों को पहचानते होंगे। जो 2000 CR की पहली मूवी थी, वो एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मूवी ना होकर एक साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मूवी थी। उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दूंगा। जो फिल्म इंडस्ट्री है दोनों, वहाँ पे एक्ट्रेस को हर वक्त एक मटेरियल के जैसे ही समझा जाता है और ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता। लीड फिल्म को उसे बहुत ही कम करने लीड करने का चांस बहुत कम मिलता है। अभी ये ट्रेंड शुरू हो गया है, जैसे मर्दानी मूवीज़ जो आई है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, या साउथ में भी ऐसी कुछ फिल्म्स है। इससे पता चलता है कि अब वो भी ऐसा कर रहे हैं। जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें जो मेल एक्टर्स होते हैं, उनके कलर या फिर उनके लुक्स उतने मैटर नहीं करते, उनका टैलेंट ज़्यादा मैटर करता है। हाँ, साउथ इंडियन इंडस्ट्री में ज़्यादा ही फाइट सीन्स को एग्जाजरेट किया जाता है, पर वो सब एंटरटेनमेंट के लिए होता है। साउथ इंडियन इंडस्ट्री में आज के तारीख में सेल्फ मेड स्टार ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बॉलीवुड। बॉलीवुड में आज के तारीख में स्टार किड्स का जो रेशियो है वो बढ़ते जा रहा है। जो बॉलीवुड है उसका गोल्डन ईरा, उसके बारे में डिटेल्स में स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दूंगा, जो आज के तारीख में तो बिल्कुल ही नहीं है। नेपोटिज्म जो है वो साउथ इंडस्ट्री में उतना नहीं है जितना बॉलीवुड में है। नेपोटिज्म इज़ ओके, बट मेरिटियस को चांस मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम उन टैलेंट्स को खोए नहीं या उनको सिर्फ थिएटर्स में ना रुके, उनको बड़े पर्दों पे आने का चांस मिले। जो यंगस्टर्स है वो साउथ इंडियन मूवीज़ को अप्रिशिएट तो करते हैं, उनके एक्टर्स एक्ट्रेस के फ़ैन तो ज़रूर है, पर वो फिल्म सिर्फ यूट्यूब पे ऑनलाइन या फिर किसी पायरेसी वेबसाइट से डाउनलोड करके उसे देखते हैं, बल्कि उन्होंने उसका जो डब्ड वर्जन है उसे थिएटर्स में जाके देखना चाहिए,
इससे साउथ इंडियन इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। और साउथ इंडियन इंडस्ट्री से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर ये रिक्वेस्ट उन तक पहुँचे तो उन्होंने हर वो फिल्म जो बनाते हैं उसे हिंदी और इंडियन लैंग्वेजेस जो है, जैसे भोजपुरी या नॉर्थ ईस्टर्न या पंजाबी, इनमें भी रिलीज़ करना चाहिए, ताकि उनका जो ऑडियंस है वो ऑडियंस बेस बढ़े और उनके फिल्म्स को ज़्यादा एप्रिसिएशन मिले, ना कि वो बॉलीवुड का एक शैडो बन के रह जाए। जो कोटा है फिल्म्स के लिए थिएटर्स में रहने का, वो जो थिएटर का एसोसिएशन है उन्होंने मिल के बढ़ाना चाहिए और एक फिक्स कोटा कर देना चाहिए, ताकि हर फिल्म को एक पूरा पूरा मौका मिले कि वो ऑडियंस के मनों में, दिलों में एक अच्छा सा जो जगह है वो बना पाए और फिल्म अच्छी खासी कमाई कर सके। ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत क्रिस्प है, शायद आपको उतनी इंटरेस्टिंग ना लगे पर ज़रूरी है, और हम लोगों ने इसे एक रिफॉर्म की तरह हमारे जीवन में उतार लेना चाहिए, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने भी इस तरह से अपने कामों में बदलाव लाना चाहिए। थैंक यू।